एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स, जिसके अंदर ये कंडक्टर्स की बात भी करेगा, इंसुलेटर की बात भी करेगा और सेमीकंडक्टर की बात भी करेगा। आप चाहे कंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो या सेमीकंडक्टर ले लो, आप उनके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो आप केमिस्ट्री में नॉर्मली लिखते हो, तो जो इनर शेल्स हैं उनकी जो एनर्जी के लेवल हैं वो काफ़ी लो होते हैं, और जैसे जैसे आप शेल एस पी की तरफ चलते जाते हो तो आपका एनर्जी लेवल क्या है वो बढ़ता रहता है। तो क्योंकि ये चैप्टर सेमीकंडक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, तो अगर आप एक सेमीकंडक्टर की बात करो और सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 आएगी। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये एनर्जी के लेवल हैं और ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, मतलब कि आप दो सिलिकॉन के एटम्स लेके आओ, वो सिलिकॉन के एटम को आप पहले बहुत दूर रखो, कितना दूर, डी डिस्टेंस दूर, मतलब इतना दूर कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। फिर आप क्या करो, इनको पास लेके आओ और पास लेके आओ और पास लेके आओ और इतना पास लेके आओ कि जितना नेचुरली एक स्ट्रक्चर में उनका डिस्टेंस होता है, उनका डिस्टेंस क्या होता है, ए, तो जितना नेचुरली उनके बीच में डिस्टेंस होता है उतना आप इसको लेके आओ। तो मान लो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग उनकी नेचुरली क्रिस्टल के अंदर क्या, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, ए होती है, तो आप ए डिस्टेंस पे आके उनको रोक दो। अब जब आप दूर से पास लेके आ रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ एनर्जी लेवल उनके चेंज होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। वो कैसे चेंज और मॉडिफाई होते हैं ये डायग्राम आपको इसके बारे में बताता है। तो जब सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम बहुत ही दूर हैं, तो ये देखा गया कि 1s2 का जो एनर्जी है वो सबसे कम है और इसके दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है। ये आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, राइट। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी पी वालों की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा और फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर है। आप इन्हें जब पास लेके आते हैं तो एनर्जी लेवल यही फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाले। लेकिन आप इन्हें जब पास लेके आते हैं, और सोचो आप इन्हें सी डिस्टेंस पास ले आए, आप इतना पास ले आए कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई और इनका बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनके बॉन्ड भी बनेंगे, तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और सी के पास जब आप और पास लेके आते हो, तो ये जो एनर्जी लेवल देख रहे हो, ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल पहले तो एक लेवल में था, बस एक ही एनर्जी है, लेकिन एनर्जी लेवल जो इसका एनर्जी लेवल है, जब आप पास लेके आते हो तो पी वाले का एनर्जी लेवल के मल्टीपल लेवल्स आ जाते हैं। तो मतलब आप कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, तो इसके मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं। पहले एक लेवल था, अब कोई भी लेवल अटेन कर सकता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो पहला कोई भी लेवल था, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लेवल अचीव कर सकता है इसके बीच में, मतलब एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गया मल्टीपल एनर्जी लेवल्स में। सेम विद 3s के साथ भी यही हुआ। 3s का एनर्जी लेवल दो इलेक्ट्रॉन का पहले फिक्स था, जब आप सिलिकॉन सिलिकॉन को पास लेके आ रहे हैं तो इसका भी मल्टीपल एनर्जी लेवल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है आपको इसके बीच में, कहीं पर भी। ऐसा हुआ, यानी कि एनर्जी लेवल चेंज होने स्टार्ट हो गए। आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ भी सकती है, आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर घट भी सकती है, मैं कह नहीं सकता। फिर क्या हुआ, आप इसको बी डिस्टेंस पे ले आए और पास ले आए, तो आपने देखा ये लेवल ये और खुलता गया, ये और खुलता गया, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल अटेन कर सकते हैं आपका ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ तक तो फिक्स था कि पी के दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एस के दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से तो ज़्यादा ही है, पर यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता ये चार इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए पता नहीं। तो कोई भी एनर्जी लेवल को अटेन कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल क्या होने स्टार्ट हो गए, चेंज होने स्टार्ट हो गए। फिर आप उन्हें और पास ले आए, और कितना पास ले आए, जितना एक क्रिस्टल के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जितना एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है उतना पास ले आए, जिसको क्या बोलते हैं, लैटिस स्पेसिंग। तो आपने ये देखा कि ये जो बड़ा एनर्जी लेवल का ये पूरा का इसको बैंड बोलते हैं, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स का होना, यानी कि बैंड का होना, ये पूरा एनर्जी का बैंड दो हिस्सों में टूट गया, एक लोअर बैंड ऑफ एनर्जी और एक अपर बैंड ऑफ।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चार इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे इस डिस्टेंस पे, क्योंकि बी डिस्टेंस पे कहीं भी हो सकते हैं, तो ए डिस्टेंस पे चार इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हो तो यहाँ भी सकता है पर ज़्यादातर केस में होता नहीं, 99% केस में वो नीचे ही मिलेगा आपको। तो वो नीचे के एनर्जी बैंड को, इस कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स को, बैंड को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड है, और ऊपर के एनर्जी बैंड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड है। तो पूरा का पूरा बैंड दो हिस्सों में टूट जाता है, लोअर और हायर एनर्जी बैंड, लोअर को वैलेंस बैंड बोलते हैं, अपर को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और इसके बीच में जो गैप है ईजी, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब आप सोचेंगे कि मेरे वो चार इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, मेरे चार इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेंगे, जो चार इलेक्ट्रॉन है वो किस बैंड में मिलेंगे, वो कंडक्शन बैंड में मिलेंगे, ठीक, ओ वैलेंस बैंड में मिलेंगे, सॉरी। तो हमने सुना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं, उनको एक्साइट करवाया, अब वो कंडक्शन बैंड में चले गए। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के अंदर पड़ा हुआ है, और सिलिकॉन आपके बेसिक स्ट्रक्चर में लैटिस में पड़ा हुआ है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस बैंड में मिलेंगे, आखिरी के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मिलेंगे, और कंडक्शन बैंड उसका खाली होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट है क्या, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, मैं एनर्जी लेवल से क्या मानूं कि एनर्जी लेवल लो है, एनर्जी लेवल हाई, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब समझाता हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको ये शो करता हूँ, इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर शो करता हूँ, चलो सिलिकॉन का या किसी भी सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, जैसे ये रहा, तो मान लो ये आपका एक जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है पूरा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए बैठा है, आराम से बैठा है, बॉन्ड बना के बैठा है, और इट इज़ नॉट फ्री टू मूव, तो मैं बोलूँगा इसका एनर्जी लेवल लो है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वैलेंस बैंड के अंदर पड़े हुए हैं, इनकी एनर्जी लो है और ये वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं। और जब मैं बोलता हूँ कि इनको एनर्जी दे के इनको कंडक्शन बैंड में भेज दो, जब मैं बोलता हूँ एनर्जी दे के कंडक्शन बैंड में भेज दो, इसका मतलब दे यार इसको यहाँ से तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो और ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दो, इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। जब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है तो पहले उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, उसको रिलीज करवाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अगर वो सफिशियंट एनर्जी आपके पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, और रिलीज नहीं होगा फ्री टू मूव नहीं होगा, और फ्री टू मूव होने का मतलब कि उसका एनर्जी लेवल बाकियों से ऊपर नहीं होगा, और जब वो फ्री टू मूव हो गया तो इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल बाकियों से ऊपर है, हम बोलते हैं ये कंडक्शन बैंड में है। तो जब मैं बोलूँ ये कंडक्शन बैंड में है तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो बंधे नहीं हुए, तो इसका मतलब उनका एनर्जी लेवल बाकी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो कंडक्शन बैंड में है। तो प्रैक्टिकली वैलेंस बैंड में होने का मतलब बॉन्ड बना के रखना, और कंडक्शन बैंड में होने का मतलब फ्री टू मूव, बॉन्ड टूट गया। अब जो तोड़ने की एनर्जी चाहिए और उसको फ्री करवाने की एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो याद करो एक वैलेंस बैंड था, एक कंडक्शन बैंड था। वैलेंस बैंड में होने का मतलब यहाँ पर बैठना, कंडक्शन बैंड में होने का मतलब फ्री मूव करना, और फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब उसको रिलीज करवाने की एनर्जी चाहिए, और वो रिलीज करवाने की एनर्जी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जब तक तुम फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी एनर्जी नहीं दोगे उसका बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वो कंडक्शन बैंड में कभी जाएगा ही नहीं। तो यानी कि दो ही केस हैं, या तो वो फ्री होगा या वो फ्री नहीं हो पाएगा। अगर तो वो फ्री ना हो पाया फिर तो इलेक्ट्रॉन किस बैंड में बैठा हुआ है, वैलेंस बैंड में, और अगर वो फ्री टू मूव हो गया तो यानी कि मैंने अपनी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा दे दी, तो इसका मतलब वो किस बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में होने का मतलब उसका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है एंड इट इज़ फ्री टू मूव, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझ में आता है, और एनर्जी लेवल से तो बस एक बेसिक है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है बंधा हुआ है तो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, उनका एनर्जी लो है, और जब वो फ्री टू मूव है आपका एनर्जी लेवल अप है, यहाँ पे है तो बंधा नहीं हुआ, और यहाँ पे बीच में कोई इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको रिलीज़ करवाने की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन से, और रिलीज़ करवाने की एनर्जी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसका सिंबल ई ऑफ जी है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या तो फ्री होगा या फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा
वैलेंस बैंड में होगा, फ्री होगा, कंडक्शन में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, अभी रुको, टूट रहा है, अभी टूट रहा है, अभी टूट रहा है, तो चलो इसको उठा के यहाँ डाल दो। मतलब या तो तुम बैठे हो या तुम खड़े हो। अगर तुम बैठे हो तो वैलेंस बैंड में हो, तुम खड़े के मूव कर सकते हो तो तुम कंडक्शन बैंड में हो, ऐसे बीच में कुछ नहीं स्टेज। तो इसे वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है इसमें। अब पेपर में क्या आएगा, या तो कई बार मतलब 10 साल में एक आध बार यही आया हुआ है पेपर में, डिस्कस करो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो ये पूरा डायग्राम को ध्यान से देख लेना, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क ना पड़ता पास आने से भी, उनका एनर्जी लेवल फिक्स है। ये सारी डिस्टर्बेंस, ये सारे चेंजेस कहाँ पर आने वाले हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स में आने वाले हैं, इनर में कोई चेंज नहीं होता। तो डायग्राम याद रखना है, अपने वर्ड में समझा देना है किस तरीके से एनर्जी लेवल बैंड में डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम।